नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूं। तो जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते जाते हैं वैसे वैसे मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। तो आजकल बहुत क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि एनडीएस में कितना पानी पीना है या एनडीएस नहीं करते हैं तो कितना पानी पीना चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक है हाउ मच वाटर इन अ डे, मतलब कि एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि हमारे न्यू डाइट सिस्टम की मैं बात करूं तो सुबह में उठने के बाद 8 घंटे तक पानी नहीं पीना है। अगर आप 6 घंटे करते हो तो 6 घंटे तक पानी नहीं पीना है। अगर आप 4 घंटे तक फास्टिंग करते हो निर्जला तो 6 घंटे तक पानी नहीं पीना है। फिर उसके बाद आपको हरी पत्तियों का जूस पीना है। कितना जूस पियोगे वो आपको पेट के पूछो, आप अपने पेट से पूछ लो, क्योंकि किसी को 1 ग्लास पसंद है, किसी को 2 ग्लास पसंद है, किसी को 3 ग्लास पसंद है। तो अपने मुताबिक 3 ग्लास ग्रीन जूस पी सकते हो, कितना भी मर्जी हो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। फिर क्या करना है कि आप लंच जो करते हो तो लंच के अंदर फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स में पानी होता है, जैसे कि ऑरेंज खाया तो उसमें पानी है या वाटरमेलन खाया तो उसमें पानी है। आप हमारी कच्ची रेसिपी बनाते हो लौकी की सब्जी तो उसमें भी पानी होता है। फिर अगर आप हमारी रेसिपी में से कोई भी मिल्क बनाते हो, कोई भी मिठाई बनाते हो, कोई स्वीट बनाते हो तो वो सभी अल्कलाइन चीज है। अगर आप लंच में क्यूकम्बर मतलब कि खीरा ककड़ी खा लेते हो तो उसमें बहुत सारा पानी होता है। अगर आपने पत्ता गोभी खा ली लंच में सलाद बना के तो उसमें 90% तक पानी होता है तो पानी की प्यास नहीं लगती। अगर आपने डिनर में टमाटर खा लिए, 1 केजी टमाटर खा लो तो भी कोई नुकसान नहीं होता है। कई कई लोग बोलते हैं कि स्टोन हो जाएगा, तो टमाटर से स्टोन नहीं होता, 1 केजी खा सकते हो तो उससे उसके बाद भी प्यास नहीं लगती है। फिर आप जूस पीना चालू करो, लौकी का जूस पियो, पम्पकिन का जूस पियो, अनार का जूस पियो। दवाई में पैसे नहीं जाने देने हो तो फल की सब्जी पे पैसे ज्यादा खर्च करो। तो पानी की प्यास कितनी लगेगी, जितनी पेट को जरूरत है उतनी प्यास से पानी पीना है। मैं मेरे खुद की बात करूं तो मैं पूरे दिन में बिल्कुल पानी नहीं पीती हूं, पूरे वीक में बिल्कुल पानी नहीं पीती हूं, पूरे साल में बिल्कुल पानी नहीं पीती हूं। क्यों नहीं पीना पड़ता है, क्योंकि मेरे लंच में भी वही सलाद होता है जो पानी से बनाया है, जो कुदरत ने बनाया है, जो आग पे नहीं पकाया है, वैसा ही अल्कलाइन हमारा सलाद होता है, अल्कलाइन हमारा फूड होता है तो प्यास नहीं लगती है। हम केले खा लेते हैं तो प्यास नहीं लगती है, एप्पल खा लेते हैं तो प्यास नहीं लगती है, ग्रेप्स खा लेते हैं तो प्यास नहीं लगती है। फिर कोई भी फ्रूट्स ले लो, आप कोई भी सलाद ले लो, पूरा का पूरा पानी से भरा होता है। तो इतना सारा अगर पानी वाला फ्रूट्स खाते हैं, इतना सारा पानी वाला जूस पीते हैं, इतने सारे पानी वाले फल खाते हैं तो प्यास नहीं लगती है, तो हमें पानी पीने की जरूरत नहीं है। मैं सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को अपक्व आहार पे हूँ तो मुझे प्यास नहीं लगती है। अगर प्यास कब लगेगी, अब रोटी खा लेते हैं तो प्यास लगती है, चाय पीते हैं तो भी प्यास लगती है, खाखरा खाते हैं तो प्यास लगती है, इडली खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, पास्ता खाते हैं, सैंडविच खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, ये सभी पकाया हुआ आहार खाने के बाद प्यास लगती है। फिर भी अगर आपकी प्यास पानी पीते रहो ऐसा सभी पूरी दुनिया में अभी चल रहा है, उकाड़ा करके पियो, गर्म करके पियो, नींबू में पानी डालो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। नींबू का पानी पीना हो तो मटके का पानी ले लो, गर्म क्यों कर देना है। जब भी हमारा फ्रूट्स जो होता है, जूस होता है, वो गर्म होने से बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, विकृत हो जाता है, तो जब भी जूस पीना हो तो ठंडे पानी से ही पीना है।
तो जितना भी हमारे बॉडी में 70% पानी से बना हुआ है हमारा शरीर, तो 70% हमारे शरीर को हम अगर वेजिटेबल्स दे देते हैं, जूस दे देते हैं, फल देते हैं, फलों का जूस देते हैं, तो पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। आजकल डॉक्टर बोलते हैं कि 10 लीटर पानी पियो, 8 लीटर पानी पियो, 4 ग्लास पियो, 10 ग्लास पियो, इतने सारे पानी की कोई जरूरत नहीं है। हमारी किडनी तो बिगड़ती नहीं है, हम पानी भी नहीं पीते हैं, बिल्कुल पानी नहीं पीते हैं, प्यास भी नहीं लगती है। विंटर में, समर में, रेनी सीजन में हमें प्यास नहीं लगती है, क्योंकि हमारे पेट में हम प्राकृतिक आहार डालते हैं। और फिर भी अगर कभी कभी जो एक टाइम का खाना होता है वो अगर आप खाते हो, मेथड वन में आप डिनर में पकाया हुआ अनाज लेते हो तो प्यास लगती है, तो पानी पी सकते हो। लेकिन शाम को अगर ज्यादा रोटी खा ली, बाजरी का रोटला खा लिया, जुवार का रोटला खाया, मकाई का रोटला खाया, भाखरी खाई, खाखरा खाया, ये सब अगर आप डिनर में लेते हो, तो सुबह में उठने के बाद जो 6 घंटे का फास्टिंग होता है निर्जला, उसमें प्यास लगती है, क्योंकि रात को जो अनाज खाया था उसको हजम करने के लिए हमें पानी पीना होता है। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, रात को सोते वक्त 2 बार एनीमा कर लो, सुबह में उठते ही 2 बार 3 बार एनीमा कर लो। नेचर कॉल आता है तो भी ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक, लेकिन सुबह में उठने के बाद एनीमा कर लोगे तो 4 घंटे के निर्जला फास्टिंग में प्यास नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन है वो बहुत इंटेलिजेंट है। हम जो एनीमा करते हैं वो मल द्वार से हम पानी चढ़ाते हैं, वो पानी हमारे शरीर में 3 बार चढ़ाते हैं या 2 बार चढ़ाते हैं, 1.5 लीटर वाला, दूसरी बार 1.5 लीटर, तीसरी बार 1.5 लीटर। तो हमारा इंटेस्टाइन है वो 200 ml या 300 ml पानी शरीर में रख लेता है, तो गले में प्यास नहीं लगती है। अगर आप धूप में भी जाते हो तो भी प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि एनीमा किया हुआ है। शरीर के अंदर पुराना मल पड़ा हो या इंटेस्टाइन में अनाज पड़ा होता है तभी हमें प्यास लगती है। अगर अल्कलाइन वाला खाना पड़ा होगा तो प्यास नहीं लगेगी। तो एनीमा से क्लीनिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा अल्कलाइन फूड लेना है, नेचुरल डाइट लेना है, जितना भी है प्रोसेस किया बिना लेना है, आग पे चढ़ा के विकृत करके नष्ट करके नहीं लेना है। तो हमारे लंच में, हमारे डिनर में प्राकृतिक आहार होगा तो पानी की प्यास नहीं लगती है। आप भी ट्राई करके देना, देखना, क्योंकि हम 24 आवर्स का निर्जला करते हैं तो भी प्यास नहीं लगती, हम 9 दिन का निर्जला रखते हैं तो भी प्यास नहीं लगती, हम 9 दिन तक जूस पे रहते हैं तो भी प्यास नहीं लगती। ये अभी कोरोना का इतना सारा बावड़ चल रहा है, मतलब कि इतने सारे इन्फेक्शन चल रहे हैं, तभी भी आप ट्राई कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा जूस लीजिए, ऑरेंज का जूस पीजिए, ये नारियल पानी है उसका जूस पीजिए, नींबू पानी है उसका जूस पीजिए, खीरा टमाटर का जूस पीजिए, ऐसा सब अच्छा अच्छा जूस पीते रहोगे तो बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होता है, पेट में इन्फेक्शन नहीं होता है, प्यास नहीं लगती है, सदा स्वस्थ रहते हैं, सदा तंदुरुस्त रहते हैं। ये सब विज्ञान की बातें हैं कि 10 लीटर पानी पीना है या 10 बोतल पानी पीनी है। प्रकृति में क्या है कि सभी पानी से बना हुआ है, पानी वाला खाएंगे तो पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप भी ये सभी भ्रांतियां भूल जाइए। हमें जब पता नहीं था कि न्यू डाइट सिस्टम क्या होता है, हम भी 5 बोतल पानी की पीते थे पूरे दिन में, और हम सुबह में पानी भी 7 बजे गर्म करके पीते थे, वो भी छूट गया, पूरे दिन की बॉटल्स भी छूट गई, अब सिर्फ हम जूस पे और प्राकृतिक आहार पे रहते हैं, बिल्कुल पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। हम तो जूस के बारे में सोचते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, हम जूस में चाट मसाला डाल के पीते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। तो ऐसा ऐसा अच्छा अच्छा कुदरत का बनाया हुआ खाना है, प्यास लगती है उतना पानी पीना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं नहीं पीती हूँ तो नहीं पीना है, या फिर
पकाया हुआ आहार खाया है फिर भी प्यास लगती है तो नहीं पीना है, डॉक्टर ने कहा है 10 लीटर पानी पीना है तो पीना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने पेट को सही आहार दोगे और फिर जितनी प्यास लगती है उतना पानी पीना है। एक गिलास की प्यास हो तो एक गिलास पी लो, दो गिलास की प्यास है तो दो गिलास पी लो, एक घूंट की प्यास है तो एक घूंट पी लो। हम इतना सारा लेक्चर्स देते हैं, इतने सारे फोन कॉल पे बात करते हैं, घर पे भी सेंटर पे भी हमारे पेशेंट आते हैं, उनसे भी पूरे दिन बात करते हैं, फिर भी प्यास नहीं लगती है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर अल्कलाइन जूस होता है, फ्रूट का जूस होता है, पम्पकिन का जूस होता है, लौकी का जूस होता है, पेठे का जूस होता है, वाटरमेलन का जूस होता है। तो अगर डॉक्टर के पैसे बचाने हैं, मेडिकल के पैसे बचाने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जूस का सेवन कीजिए। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा आनंद में रहो, और आप भी ऐसी गलत भ्रांतियों से मुक्ति पा लीजिए। कितना पानी है खुद को, कितना पानी पीना है खुद को पूछ लीजिए। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम। आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में फोन कर लेना। मेरा फोन नंबर है 9824317955। बाय।